मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, मित्रों ये जो प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस का, ये किन लोगों के लिए है? ये है लेमैन टू लॉमैन, मतलब जो जिन लोगों को कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनसे लेकर के जिनको बहुत अच्छी जानकारी है, सभी के लिए है। तो इसी के तहत मैं हर बात को इतना डीपली बताता हूँ कि जो लोग इसको जानते हैं या जो लोग इससे पूरी तरह से परिचित हैं तो उनको लगता है कि ये साधारण सी बात को इतनी गहराई से क्यों कह रहे हैं। उसका मित्रों कहने का मेरा वचन यही होता है कि जिससे कि जो लेमैन हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाए और वो इससे लाभान्वित हो जाए। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये मैं बताता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट मैं लेके आया हूँ और वो जजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उसकी हमको जानकारी नहीं है तो हम कभी भी अपने जो व्यापार है, जो अपनी काम है, उसके संबंध में कभी भी उसको धोखा भी हो सकता है। और लोगों को धोखा क्यों होता है? क्योंकि उनको लॉ की लेटेस्ट जानकारी नहीं होती है, उसका अभाव होता है। खैर, तो एक एक्ट है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये बहुत ही पुराना एक्ट है और इसके सेक्शन 138 में एक प्राविधान किया गया, एक प्रोविज़न किया गया। और वो प्रोविज़न ये है कि अगर कोई आदमी कोई चेक इशू करता है और उस चेक को वो जिसके फेवर में इशू किया गया है वो जब भी अपनी सुविधा अनुसार जो उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस अलग लगी हुई हैं उनके तहत वो जब बैंक में प्रोड्यूस करता है, बैंक में कैश करने के लिए देता है, तो बैंक उसको अनपेड मान करते हुए, घोषित करते हुए उसको वापस कर दे अगर, और तो उस पर क्या कार्रवाई हो? उसका तो चेक वापस आ गया बाउंस होके। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 138 के तहत वो केस कर सकता है इस बात के लिए कि साहब ये तो डिसऑनर हो गया चेक, और चेक के डिसऑनर पे अगर ये साबित हो जाता है कि उसका जो जिसने डिसऑनर किया है उसने सही इसी जानबूझ करके किया है तो इसमें कितनी सजा है? 2 साल की कैद, 2 साल का कारावास या जुर्माना। जुर्माना कितना होगा? जितने रुपए का चेक है उसका डबल, और या फिर दोनों, इस तरह की सजा का प्राविधान है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसके जो 138 में जो प्रोविज़न किए गए हैं उनको लेना पड़ेगा कि किन किन कारणों पर से वो चेक वापस आया और किन किन आधार पर उसने किस तरह से पेश किया। तो हर तरह का एक प्रोसीजर बनाया गया है। अगर उसमें कहीं भी लैप्स है तो ये केस जो है वो उनके फेवर में नहीं हो सकता। अब हम इसको समझने के लिए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ये समझ लें कि सेक्शन 138 कैदी क्या है। तो वन सेक्शन 8 में बहुत स्पष्ट प्रोविजन है, क्या वेयर एनी चेक ड्रॉन बाई ए पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाई हिम विद ए बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट फ्रॉम द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी इज रिटर्न बाई द बैंक अनपेड आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशियंट टू ऑनर द चेक और दैट इज एक्सीड द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाई द एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक such person shall be deemed to have committed an offence and shall without prejudice to any other provision of this act be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of the check or with both। अब इसमें क्या बात आई, देखिए ध्यान देने की बात आई कि इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें कही। दो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं कि एक तो जो चेक जारी किया गया है फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी फॉर डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट,
मतलब कोई ऋण के लिए, कोई किसी ने ऋण लिया, उधार लिया और उसको पेमेंट करना है, तो एक तो ये शब्द आया। और दूसरा और एनी लायबिलिटी, मतलब उसको पैसा देने की कोई लायबिलिटी है, कोई उसका दायित्व है कि उसको पेमेंट देना है, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। या तो उसका कोई ऋण लिया उधार लिया उसका पेमेंट है, उसके लिए चेक दिया है, या कोई अदर लायबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर लायबिलिटी प्रूव नहीं हो पाती है तो भी ये 138 का केस नहीं हो पाएगा। ये दो शर्तें दे दी। अब यदि ऐसा चेक बाउंस हो जाता है तब अनपेड होकर के वापस आ जाता है, तब ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि चेक बाउंस के कारण क्या हैं, क्या किस चेक जो दिया गया था उसके किस वजह से दिया गया था, क्या वो इन दो कंडीशंस को पूरा करता है कि नहीं करता है। अगर वो करता है तभी ये इसमें केस आगे चलेगा। अब आगे देखिए, चेक बाउंस के कारण भी, अब ये तो हमने कर दिया कि साहब इन दोनों कारणों में से दायित्व बनता था इसलिए चेक दिया और चेक बाउंस हो गया इसलिए ये केस बनता है। अब आगे की ये कहते हैं कि चेक वापस जो आ गया तो उसकी भी दो वजह बताई गई हैं कि क्यों आया। एक तो चेक जारी करने वाले व्यक्ति के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, मतलब जितने रुपए का उसने चेक इशू किया, फॉर एग्जांपल अगर उसने 1,00,000 रुपए का चेक दिया और यहाँ पर उसके में अकाउंट में 85,000 हैं या 99,000 ही हैं, तो उसका तो बैंक कैश नहीं करेगा। इनसफिशिएंट फंड पहली बात तो ये, और दूसरा इसमें ये बताया कि बैंक का उसके कस्टमर से एक एग्रीमेंट हुआ या उसकी लिमिट बांध रखी है, ओडी है, ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। अब उसने चेक दे दिया तो चेक तो वहाँ पे आ गया 10,00,000 का और उसकी लिमिट तो है केवल 8,00,000, तो बैंक तो पेमेंट नहीं करेगा, तो ये भी डिसऑनर हो गया। इन दो वजह से, या तो इनसफिशिएंट फंड या एग्रीमेंट जो उसके साथ में बैंक का है, बैंक चेक जारी करने वाले के और बैंक के साथ में एग्रीमेंट है, उससे अधिक का चेक आ जाए, तो ये दोनों स्थिति में अगर चेक वापस आ रहा है तो पहले दो कंडीशन तो कौन सी हुई जिनके तहत वो चेक दिया गया कि उसने कोई उधार ले रखा है, एक, और दूसरा उसको उसका कोई लायबिलिटी बनती है। और अगर वापस आया तो वापस आने में भी दो बातें ध्यान दे दीजिए कि क्यों आया, एक तो इनसफिशिएंट फंड होना चाहिए या उसके लिमिट से एक्सेस का चेक दे दिया, तो इस वजह से होना चाहिए, दो ही चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब लॉ में इतनी स्पष्ट बातें कर दी गई तो क्या अगर इसके अलग हटके भी कोई रीजन बनता है, जैसे क्या, स्टॉप पेमेंट। तो अगर किसी ने चेक इशू किया और चेक को जब उसने डाला, इससे पहले ही उसने बैंक को एक डायरेक्शन दे दी, और वो डायरेक्शन क्या दे दी कि उस चेक का चेक नंबर दे के कि इसका पेमेंट स्टॉप कर दिया जाए, तो बैंक तो उससे बंद गया। अब उधर से चेक जब डाला गया, चेक दिया गया, तो बैंक ने अपना रिपोर्ट लगा दी कि साहब इस पे तो स्टॉप कर दिया गया पेमेंट, इसका इस चेक का पेमेंट को स्टॉप कर दिया गया है। तो ये जो तीसरी वजह आई, नई वजह आ गई, क्या ये भी सेक्शन 138 के तहत केस चलाने के लिए सफिशिएंट रीजन है? अब ये वाली बात जो आई, एक अपने किस्म में नई बात आई, तो ये वाला जो, यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से तय करी। तो अब इसको हम समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि पहले केस कौन सा था। वो केस है मोदी सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस श्री कुचिल कुमार नंदी, क्रिमिनल अपील नंबर 244-246 ऑफ 1998। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि डिवीजन बेंच ने ये तय किया कि जो बातें सेक्शन 138 में लिखी गई हैं उसके अलावा, उसको अलग करते हुए, उसके एक्स्ट्रा भी अगर कोई ऐसा रीजन आ जाता है जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हो गया, तो क्या वो सेक्शन 138 का वॉल्यूशन माना जाएगा या नहीं होगा, उसके तहत केस चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। केस के फैक्ट्स क्या हैं? मोदी सीमेंट ने मिस्टर नंदी से व्यापार के लिए उनको सीमेंट उधार दिया। अब वो जो उन्होंने उधार दिया तो उसके बाद उस माल के अगेंस्ट 2,00,000 के 3 चेक उन्होंने मिस्टर नंदी से ले लिए। मिस्टर नंदी ने चेक जब उनको दिए तो मोदी सीमेंट ने जब ये चेक प्रोड्यूस किए तो चेक वापस आ गए, डिसऑनर होकर आ गए, अनपेड होकर के आ गए। अब उसमें रिपोर्ट क्या लगाई बैंक ने? बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इस चेक के पेमेंट को
स्टॉप कर दिया गया है मिस्टर नंदी के द्वारा। तो अब यहाँ पर ये बात पहली बार आई कि ऐसे में क्या करें, क्योंकि सेक्शन 138 में तो दो ही वजह से बताया गया, इनसफिशियंट फंड या एक्सेस, जो एग्रीमेंट की अमाउंट है जो लिमिट है उससे एक्सेस, तो ये दोनों तो है नहीं, स्टॉप पेमेंट कर दिया। तो जब उन्होंने इसके लिए सेक्शन 138 के तहत लोअर कोर्ट में अपने 3 केस डाल दिए। अब जब ये केस स्टार्ट हुए तो मिस्टर नंदी ने ये आर्गुमेंट किया कि सेक्शन 138 की तो कंडीशंस फुलफिल की गई हैं, तो इसलिए सेक्शन 138 के तहत नहीं आता है। तो इस पर जो लोअर कोर्ट था उसने कहा नहीं, ये तो केस जो चेक है उसके डिसऑनर का केस है, तो इसलिए डिसऑनेस्टी के लिए ये उसकी परिधि में, उसकी लिमिट में आता है। तो उसके लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए मिस्टर नंदी हाई कोर्ट में पहुंच गए। जब हाई कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट दिए गए कि साहब इसको देखिए, इसकी लैंग्वेज पढ़ ली जाए सेक्शन 138 की, तो वो बिल्कुल साफ कहती है कि ये दो कंडीशन ही हैं कि या तो पेमेंट इनसफिशियंट हो, बैंक में उसके अकाउंट में पैसा ना हो, या लिमिट से बाहर का चेक हो। तो उन्होंने कहा ये दोनों तो है नहीं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए इसको ये कह दिया कि नहीं, इसमें सेक्शन 138 का केस नहीं चल सकता, और उनकी सेक्शन 482 CRPC में जो गए थे तो वो उसके तहत उन्होंने उसको क्वेश कर दिया तीनों मामले में। अब जब तीनों मामले में हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया तो हाईकोर्ट के आर्डर को चैलेंज करते हुए मोदी सीमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इस पर डिटेल से इसकी सुना और ऑर्डर पास किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 138 की लैंग्वेज है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर चेक को डिसऑनर किया गया, अब डिसऑनर जानबूझ करके किसी और तरीके से किया गया तो वो भी उसकी परिधि, उसकी लिमिट में आ जाएगा। इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पेमेंट जो स्टॉप कर दिया ये उसकी लिमिट से बाहर हो गया, ये उसकी परिधि के, उसकी लिमिट के अंदर ही माना जाएगा, और अगर उन्होंने इसको पेमेंट को स्टॉप किया है तो ये 138 के अंतर्गत माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स थे उनको क्वेश कर दिया, और जो लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि उन्होंने जो निर्णय लिया है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वो सही है। तो मित्रों, इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई, क्या कि जो टेक्निकली सेक्शन 138 में वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है उसके अलावा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने ऑर्डर में, ये निष्कर्ष निकाला कि उसकी एम क्या था, सेक्शन 138 का एम क्या है, वो ये है कि अगर कोई चेक डिसऑनर किया जाता है तो उसके वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो क्या इस तरह से अगर कोई भी हथकंडा, कोई भी स्टाइल, कोई भी नया रीजन निकाल करके और उसको डिसऑनर किया जाता है तो वो डिसऑनर करने वाला, चेक इशू करने वाला उसको उससे अपने अपराध से बच नहीं पाएगा। किसी भी तरह की कोई भी नया, जिसको कि समय समय पर आ जाते हैं, तो उस आधार पर भी अगर चेक को डिसऑनर किया गया है तो वो डिसऑनर माना जाएगा और वो उसके लिए अपराध के लिए जो सजा है वो उसको मिलेगी। तो मित्रों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट हो गया, क्यों, क्योंकि इन सब की जानकारी हम लोगों को नहीं है और उन जानकारी के अभाव में समस्याएं आ जाती हैं, मुकदमा हो जाता है, पूरा समय निकल जाता है, खर्चे हो जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। जानकारी का होना आवश्यक है। मित्रों, एक निवेदन और करूँगा, क्या कि वो कि जिस तरह की ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये अवेयरनेस हम सबको फैलाना है। जो अपने मित्र हैं, जो आपके जानकार हैं, जो आपके समाज में हैं, उन सबको इस तरह की जानकारी आप आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमारा समाज, हमारे मित्र, हमारे सभी लोग इस तरह की लीगल अवेयरनेस से पूरी तरह से विज्ञ हों। नमस्कार।